कमलनाथ सरकार ने एससी एसटी वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकार हत्या और दुष्कर्म के मामले में एससी एसटी वर्ग के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देगी। इसमें दुष्कर्म से पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। थाने में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज होते ही 25% राशि पीड़ित को तत्काल दी जाएगी। वहीं हत्या के मामले में मृतक की पत्नी या अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय किया गया है। 25 जनवरी 2020 तक का था, तो 10 साल बढ़ा के 80 साल उसको कर दिया गया है। एससी एसटी का रिजर्वेशन विधानसभाओं में और लोकसभा में होगा, और इस तरह से संविधान की इस बात को पूरा किया है। और एक सजेशन मध्य प्रदेश की विधानसभा ने वो दिया है कि जो एंग्लो इंडियन का 70 साल है, इसको भी 80 साल किया जाए, उनको भी वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये भी इसका भी सजेशन मध्य प्रदेश की विधानसभा ने दिया है। मृतकों और बलात्कार पीड़ितों के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं, वो क्या प्रावधान है, खासतौर से मुआवजे को लेकर के? मुआवजे को लेकर एससी एसटी के मामले में ये निर्णय लिया है क्या है कि जो भी एफ आई आर होती है तो 25% मिले, और उनको 6 महीने तक 5,000 रुपये मिले, और उसके अलावा उनको जब तक रोजगार नहीं हो जाता कोई किसी भी पीड़ित या पीड़िता, तब तक उसको वो सुविधाएँ मिले। बीजेपी इस मामले को लेकर दुविधा में फंस गई है। बीजेपी इसका विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो सरकार को सबसे पहले दुष्कर्म रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार रेप रोकने में नाकाम होती है तो कम से कम रेप पीड़िताओं को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। लेके आइए कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा जल्द से जल्द, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा, और एफआईआर होते ही तुरंत 25% दी। देखिए, सरकार की मंशा पता लगती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। अरे पहले तो आप ये कुछ प्रयास करो कि दुष्कर्म होना, रेप होना, आप केवल इस तरह के लुहावनी बातें करके क्या रेप को और प्रक्षय देने की कोशिश कर रहे? जिस महिला का रेप हो जाता है उसकी जाति नहीं देखी जाती, वो महिला महिला है। आप उसमें भी जाति, इस जाति को देंगे उस जाति को ना देंगे, आप सब उसके साथ एक जैसा व्यवहार करें। यदि दलित समुदाय को दिया जा रहा है इसका विरोध नहीं है, परंतु रेप होने वाली महिला जो है उसके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और सरकार को सबसे पहले ये व्यवस्थित करना चाहिए कि कानून व्यवस्था का, सरकार का इकबाल ऐसा कायम करे कि किसी की हिम्मत ना हो कि जो बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करे। वहीं सपाक्स ने कमलनाथ सरकार के फैसले का विरोध किया है। सपाक्स की माने तो इससे जातिगत खाई और गहरी हो जाएगी। सपाक्स की राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा शर्मा ने कहा है कि सरकार को दुष्कर्म जैसे अमानवीय कृत्य में पीड़िता की जाति नहीं देखनी चाहिए। देखिए, किसी भी समाज के अगर कमजोर वर्ग के लिए सरकार कुछ करती है तो कोई भी इंसान या कोई भी पार्टी इसमें कोई आपत्ति नहीं करती, लेकिन जब आप भेदभाव करते हैं या उसको राजनीति के स्तर पर ले आते हैं, एक इंसानी तकलीफ, इंसानी दर्द, जब आप उसको एक भेदभाव और जातिवाद के लेवल पे लेके आते हैं तो हर कोई विरोध करेगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं पूछना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी से और पीसी शर्मा जी से कि क्या अलग अलग जात होने से या अलग अलग धर्म होने से, चाहे वो रेप पीड़िता हो, चाहे वो किसी भी अपराध का शिकार हुआ हो, उसका दर्द अलग अलग हो जाता है? क्या ऊंचे अगर किसी वर्ग का दर्द है तो वो उसका कुछ श्रेणी या उसकी कोई तकलीफ अलग रहेगी, और जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है उसकी तकलीफ या कुछ ज्यादा हो जाएगी? जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, उस एक महिला, उस एक लड़की, उस एक बच्ची की तकलीफ को आप किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं पैसों को लेकर? किसी के घर से कोई इंसान अगर जाता है, आप उसकी तकलीफ को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं पैसों को लेकर? आप मतलब इतना आप ज्यादा उतर आए वोटों की राजनीति पे कि आप इंसान की जो स्वाभाविक संवेदनाएं हैं, वेदना है, आप उसको तक कैटेगराइज करने लगे। तो सपाक्स का क्या कदम रहेगा आगे? देखिए, सपाक्स इसका घोर विरोध करेगी। सपाक्स का पहला प्रश्न ये रहता है कि संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान ने समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई को लेकर आरक्षण की कुछ चीजें दी गई, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों में भी अगर सरकारें इस तरह की, मैं एक ही वर्ड यूज करना चाहूंगी, हरकतें करेगी अगर, तो जनता या जो समाज है वो किस दिशा में जाएगा? समाज इसका बिल्कुल, सपाक्स इसका बिल्कुल विरोध करेगा।
बहरहाल सपाक्स ने साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी नए नियम का मध्य प्रदेश में पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी वोट बैंक को देखते हुए इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखती दिख रही है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट।